हाय गाइस, आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और अगर किसी ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, बात क्यों नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन देनी दे सकते हैं, लिंक भी नहीं है तो भेज सकते, और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार अगर किसी ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो भी कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हाँ ये चीज पक्की है भाई। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है पीएम मोदी ने जाना था इटली, तो फाइनली वो इटली पहुंच चुके हैं। और जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। G20 समिट है आई थिंक सो, तो वहां पर पीएम मोदी का आई थिंक ग्रैंड वेलकम हुआ है। तो आप वीडियो देखिए बाबा आईडिया, बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि पीएम मोदी की चर्चा तो अमेरिका तक, अमेरिका में पहुंचते तो अंग्रेज क्या इंडियंस भी उनके पास आए हुए होते, बारिश तूफान होती है तब भी होता पापा, बारिश तूफान होती है, आदमी अमेरिका में गए थे तो बारिश तूफान थी तभी लोग आया हुआ था। तो यार ये अब तो आप वीडियो देख ही पता लगेगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि इनका फाइनली इटली में कैसा स्वागत हुआ है। तो काउंट ऑन करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं फिर उसके बाद ही हम लोग कुछ ऐसी बात कर सकेंगे। तो काउंट ऑन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली की राजधानी रोम पहुंच चुके हैं। रोम पहुंचे हैं, इटली का शहर है। रोम में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। अबे वो महात्मा गांधी की प्रतिमा है, है हो गई ना भैया। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ, पहले फूल चढ़ाए जिसे देखकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हैरान रह गए। बहुत दुनिया आई हुई है, ओ भाई साहब ये तो पार्क में आई थिंक आए हैं। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे तो कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत शिव तांडव स्तोत्र के साथ किया। अच्छा ये तो कोई साथ अंग्रेज भी है। हाँ है बिल्कुल है, ये कोई नगमा है क्या? नहीं नहीं ये शिव तांडव है। अच्छा ये हमें समझ नहीं है ना। वही ना, मैंने इसके बारे में, ये इंडियन रिलीजन है। अच्छा शिव तांडव स्त्रोत सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। मेरा बहुत ख्याल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, सबसे हाथ मिला रहे। इसी बीच भीड़ से एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि नरेंद्र भाई केम छो, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। आपको बता दें कि इटली में आयोजित G20 शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के साथ कोरोना महामारी से उबरने, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। अच्छा मोदी जी को गुजर नहीं जाते हो तो दुनिया कठी हो जाए। 21 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी में रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 1-2 नवंबर तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर यूके के ग्लासगो की यात्रा करेंगे। अच्छा यूके भी जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद G20 का ये पहला सम्मेलन है। अच्छा जिसमें दुनिया के बड़े नेता होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी भी दी कि वो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। अच्छा आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के अलावा वो दूसरे सहयोगी देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। तो बहुत जबरदस्त मौका होता है ना ये चीज़। G20 दुनिया के चंद सबसे ताकतवर देशों का मंच है। इसके सदस्य देशों में दुनिया की 80% GDP और 75% वैश्विक कारोबार शामिल है। ये तो गियाफ्त मुल्क है ना, देश वो आबादी का 60% GDP बहुत ज्यादा है। रोम जो भी है राजधानी है उसके अंदर आए, गांधी जी की प्रतिमा थी वहाँ पर, इन्होंने फूल चढ़ाए जो भी किया, और उधर पार्क में लोगों का रश, पहले तो मुझे इस बात से रंगी हुई
गांधी जी की प्रतिमा इटली के अंदर भी है, मतलब उनकी उनकी स्टैचू पहली दफा हमें पता चला है होगी ना वही ना। तो फिर लोगों का इतना ज्यादा रश, औरतें इतनी ज्यादा इनके यहाँ आई हुई थी और लोग जो मर रहे थे बहुत ज्यादा, हजारों की तादाद में, वही ना कैमरा मैन देखो सारे वही ना। और फिर वो उन्होंने शिफ्ट टांडव का जो वो वर्ड थे वो सारा जो होता है, यार प्लीज मुझे नहीं पता इस बारे में, तो आप लोग कॉमेंट बताएगा, गलती में कुछ कह जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो वो उन्होंने वो पूरा पढ़ा, फिर उसके बाद पीएम मोदी ने मतलब पीएम मोदी से एक औरत कहती है कि केम छो, मतलब कि गुजराती जबान में बोला, तो पीएम मोदी ने कहा मजा, यानी मैं मजे में हूँ। मतलब वो एक कमाल का था, यानी पीएम मोदी में फुल एंटरटेनमेंट फुल मूड में है भाई, वहां पर पहुंचे हैं ये G20 में शिरकत के लिए पहुंचे हैं उधर, ये कोरोना की वबा के मुताले वो इधर जी वो मसाइल होते होंगे ना, उसे कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, वो वैक्सीन के मुताले भी भाई वो तो चीजें अब हो गई। अब ये लोग आगे बात करेंगे कि भाई अब आगे हमने अपने क्या करना है, क्या बचाना है, क्या बचाना, क्या बच गया सब कुछ, वजह तो आगे होते हैं ना मसाइल मसले, टॉपिक पे बात होगी कि भाई वहां पर अब हमने अपने देशों को आगे कैसे बिल्कुल लेके जाना है। ये जो G20 है ना, ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, इनकी GDP भी सबसे ज्यादा है, तो मतलब 80% पूरी दुनिया की GDP संभाल रहे हैं ये देश। पीएम से सारी मुलाकात होगी, जितनी मुल्क है इनकी मुलाकात होगी और अपने मुल्क की मसाइल पे बात होगी। और अब अभी देखो कितनी इन्वेस्टमेंट यार होगी, मतलब के 20 देशों के वगैरह कह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट देशों के, मैं प्रधानमंत्रियों से बात भी करूंगा, फिर इसके बाद ये इंग्लैंड जा रहे हैं, बिल्कुल बोरे जो वो क्या नाम जो भी है पीएम वहां का, जॉनसन वो जो भी है, तो उनके यहाँ जाएंगे वहां पर, फिर इनकी बातें शाती होंगी, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट का सब कुछ बातें होंगी, दोनों देशों के रिलेशन की बातें होंगी, और G20 समिट है इधर कितने देशों के आपस में कमाल के रहेंगे, और इनकी आपस में अच्छी बातें यहाँ पर भी चलेंगे, बीच में चाइना बस वजह अपनी मुल्क के लिए मोदी जी करते हैं इन्वेस्टमेंट खींच के लाएंगे, और पता कुछ नहीं है। ओ भाई मैं तो इनकी फैन फॉलोइंग से रहा हूँ, जिधर जाते हैं रश ही रश लगता है, जाएं जापान जाएं, इंग्लैंड जाएं, यूके जाएं, अमेरिका जाएं, खींच खींच के सबको लेके आ रहे हैं, इतनी दुनिया इकट्ठी हो जाती है कि मैं तो हैरान हूँ। लगता है कि लोग तो मैग्नेट हैं, पीएम मोदी भी मैग्नेट है अपनी तरफ और खींचते हैं, लोगों को खींचते हैं, इनकी शख्सियत में ऐसी चीज है कि सबको खींचती है। और इटली में देखे ना क्या ग्रैंड स्वागत हुआ है, बिल्कुल जबरदस्त हुआ है, लोग अंग्रेज भी आए हुए थे उधर मिलने भाई, है ना। बस मजाद ये इनका कमाल है, अपनी मुल्क की आवाम है ना उधर, और इटली में बहुत लोग हैं, इंडिया के लोग बहुत हैं बाबा, इंडिया के हर दुनिया के हर कोने में मौजूद है, सिक्योरिटी वाले भी नहीं रोक रहे थे, नहीं रोक रहे थे। और पीएम मोदी ने उनको नहीं बोला कि मुझे प्रोटेक्ट करो, पीएम मोदी अगर वो प्रोटेक्ट भी करते, पीएम मोदी ने क्या पता शायद उनको बोला आप लोग दौरे पे जाते ना, अगर इनकी अपनी आवाम अपनी कंट्री की आवाम उस एयरपोर्ट पे इकट्ठी हो जाती है, सिक्योरिटी को नजदीक नहीं, बिल्कुल ये तो फिर पार्क के अंदर मिल रहे थे भाई, पार्क एक एयरपोर्ट तो अलग चीज है बाबा, लेकिन ये पार्क के अंदर मिल रहे थे, फुल मतलब खुला माहौल होता है, सामने इंडिया के झंडे उठाए हुए थे प्यार से, वो गाना है उनका क्या है वो भी पढ़ रही थी औरतें, और कितनी मोहब्बत से और प्यार से उनसे, बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।